गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा श्रीवास्तवा, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 9th पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके 8th पार्ट में आपको कार्बन के कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। बच्चों, आज के इस 9th पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ कमर्शियली इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं होते, लेकिन कुछ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए कमर्शियली बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। बच्चों, आज हम इसी इथेनॉल से अपना टॉपिक शुरू करेंगे। बच्चों, हम सबसे पहले शुरू करेंगे इथेनॉल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज से। अब देखिए, इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट में मिलेगा। फिर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए। बच्चों, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो कार्बन की चेन होती है वो दो कार्बन की होती है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH। फिर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखिए। बच्चों, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में आप देखिए कि दो कार्बन की चेन है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथेनॉल। इथेनॉल अगर आपको नॉमनक्लेचर ध्यान में हो तो आप इसमें देखिए दो कार्बन एटम की चेन है। तो दो कार्बन के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं? वी यूज द टर्म एथ। तो हम एथ लिखते हैं, और फिर दोनों कार्बन एटम के बीच में हम देखेंगे कि किस तरह का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो दोनों कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बच्चों, फंक्शनल ग्रुप हेयर इज OH या अल्कोहल, और OH के लिए कौन सा सफिक्स लगता है? OH के लिए लगता है ऑल। तो यहां पर हमने क्या लगाया? ऑल। और फिर अगर आपको याद हो तो अगर फंक्शनल ग्रुप वॉवल से स्टार्ट होता है तो हम एन, ईन या आइन का जो लास्ट वाला ई होता है उसको ड्रॉप कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एथ एन ऑल। तो इसका IUPAC नेम हो गया एथ एन ऑल, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C2H5OH। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, एंड एज पर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यू कैन सी कि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप OH प्रेजेंट है। बच्चों, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज अराउंड 78.2 डिग्री सेल्सियस। बच्चों, जनरल प्रॉपर्टीज के बाद चलिए अब हम देखते हैं अल्कोहल का लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। बच्चों, अल्कोहल का लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू सिंपलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की प्रेजेंस में वो उसका स्लो डिकम्पोजिशन कर देते हैं और हमें देते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, आप देखिए, ये है एक डाइसैकेराइड C12H22O11। ये हमें कैसे मिलता है? बच्चों, जो शुगर केन का जूस होता है उसको निकालने के लिए उसी प्रोसेस में हम बनाते हैं मोलासेस। तो ये जो मोलासेस होती हैं उन्हीं से हमको ये C12H22O11 मिलता है, जिसका हम फर्मेंटेशन करते हैं। इस डाइसैकेराइड का रिएक्शन जब हम कराते हैं वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईस्ट होता है उसमें पाया जाता है, उससे बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
बच्चों अब यहाँ पर आप देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। ये क्या है? फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन उनका नाम अलग अलग। बच्चों एक्चुअली इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे से अलग होती है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या होती है? व्हेन अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जब एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे सकता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। बच्चों ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर्स हुए, क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो अलग है, लेकिन इन दोनों का ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। फिर आप इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज को जाइमेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये प्रोसेस भी ईस्ट की बॉडी में प्रेजेंट जाइमेज एंजाइम की हेल्प से हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से हम इथेनॉल का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। आइए अब हम देखते हैं इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे इसका रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में। बच्चों सोडियम मेटल के साथ में जब इथेनॉल रिएक्ट करता है तो ये बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। और होता क्या है, इस प्रोसेस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और बनता क्या है, बनता है सोडियम एथ ऑक्साइड। आप देखिए दो कार्बन है तो लगेगा एथ, फिर ये सोडियम है तो इसके लिए हमने लिखा सोडियम, दो कार्बन के लिए लिखा एथ, और ऑक्सीजन है तो उसके लिए लिखा ऑक्साइड। तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया सोडियम एथ ऑक्साइड। इसी तरह से जब ये पोटेशियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो वहां पर क्या बनाएगा, वहां पर बनाएगा पोटेशियम एथ ऑक्साइड। तो ये तो हो गई इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी। अब आइए हम देखते हैं इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। बच्चों जब इथेनॉल रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इथेनॉल को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर आप रिएक्ट कराएं एट टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये क्या करेगा, ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इथेनॉल में से वाटर को अलग कर देगा, बिकॉज इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो इसमें से जब आप H2O निकाल लीजिएगा तो आप देखिए कौन सा फॉर्मूला बचेगा, फिर बचेगा C2H4 विच इज इथाइलीन, और इसका IUPAC नेम क्या होगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथीन। और इसके साथ में ये वाटर निकल गया, क्योंकि इस वाटर को किसने अलग किया, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एक्टिंग हेयर एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट एट टेम्परेचर 170 डिग्री सेल्सियस। चलिए बच्चों अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इथेनॉल की प्रॉपर्टीज, तो आपने देख ली, अब हम डिस्कस करेंगे इथेनॉल के यूजेस के बारे में। बच्चों इथेनॉल का पहला यूज है इन कफ सिरप, टॉनिक एंड टिंचर आयोडीन। इन सभी मेडिसिंस में इथेनॉल का यूज किया जाता है। फिर इन फॉर्मेशन ऑफ सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक CHCl3 एंड CH3OOH, एसिटिक एसिड और क्लोरोफॉर्म के कमर्शियल प्रोडक्शन में भी इथेनॉल का यूज होता है। फिर इथेनॉल इज यूज्ड एज अ फ्यूल, और उसके बाद लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथेनॉल कंजम्पशन लीड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अगर ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक के फॉर्म में भी इथेनॉल यूज होता है, लेकिन अगर किसी ने इसका कंजम्पशन बहुत लार्ज क्वांटिटी में कर लिया तो इट विल लीड टू स्लो डाउन इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ये हमारी बॉडी में होने वाली मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देती हैं
और हमारा जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है. सो इट कॉजेज लैक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मेंटल कन्फ्यूजन हो जाती है, ड्राउजीनेस का मतलब नींद आने लगती है. फिर आप देखिए, अगर किसी ने मीथेनॉल का कंजम्पशन कर लिया, तो बच्चों मीथेनॉल इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी. मीथेनॉल जब लीवर में पहुंचता है तो लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है मीथेनल में, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है. और जो मीथेनल होता है वो हमारी सेल के प्रोटोप्लाज्म का कोआगुलेशन कर देता है, उसको जमाने लगता है. और फिर क्या होता है, इसकी वजह से जो प्रोटोप्लाज्म का कोआगुलेशन होने लगता है उसकी वजह से कभी कभी इंसान की डेथ भी हो जाती है. और ये हमारे ऑप्टिक नर्व हमारी आईज में पाया जाता है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, विच में लीड टू ब्लाइंडनेस. तो बच्चों ये इथेनॉल के इतने सारे यूजेस थे. और चलिए अब इसके बाद हम अपना अगला कमर्शियली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड स्टार्ट करते बच्चों. चलिए अब हम अपना दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज एसिटिक एसिड. बच्चों एसिटिक एसिड का मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा CH3COOH, और इसको हम कहेंगे इथेनोइक एसिड. इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप देखिए बच्चों, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कार्बन की दो एटम्स की चेन होती है. तो अगर कार्बन के दो एटम की चेन है तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, आप इसके लिए लिखेंगे एथ. दो कार्बन के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं, वी यूज एथ. दोनों कार्बन एटम के बीच में किस तरह का बॉन्ड है, दोनों कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, एंड फॉर सिंगल बॉन्ड वी राइट एन. अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें ढूंढना है कि इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. तो बच्चों इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COOH. COOH की आइडेंटिफिकेशन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में. तो COOH के लिए हम क्या लिखते हैं, वी राइट ओइक एसिड. तो यहां पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा ओइक एसिड. तो अब आपको क्या करना है लास्ट में, अब आपको लास्ट में करना ये है कि आपको देखना है कि आपका फंक्शनल ग्रुप कहीं वॉवल से तो स्टार्ट नहीं हो रहा. तो यस, आवर फंक्शनल ग्रुप इज बिगनिंग विद वॉवल ओ. तो हमें क्या करना है, उस केस में हमें एन, ईन या आइन का जो लास्ट वाला ई है उसको ड्रॉप कर देना है. तो हमने एन का ये जो लास्ट वाला ई है इसको ड्रॉप कर दिया, तो अब इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड. तो इसका IUPAC नॉमनक्लेचर हो जाएगा इथेनोइक एसिड. बच्चों ये जो इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और एट 16.7 डिग्री सेल्सियस इट फॉर्म्स आइस लाइक क्रिस्टल स्ट्रक्चर. बच्चों 16.7 डिग्री सेल्सियस पर ये आइस के जैसा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दे देता है, और इसीलिए इसको हम कहते हैं ग्लाशियल एसिटिक एसिड. अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. उसके बाद आप देखिए कि ये जो एसिटिक एसिड है इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है. बच्चों पिछले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टी ऑक्सीडेशन आपको बताई थी, और वहां पर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में बताया था. क्या होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस में ऑक्सीजन को ऐड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. और उसका एग्जाम्पल आपको बताया था एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट. तो ये जो इथेनॉल या एथिल अल्कोहल होता है उसको जब आप एल्केलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ऑक्सीडेशन के बाद वो आपको देगा एसिटिक एसिड जिसे हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं.
तो ये तो हो गया इसका फॉर्मेशन। बच्चों आइए अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी, हम ईस्ट्रीफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ये ईस्ट्रीफिकेशन? बच्चों आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो रिएक्शन के बाद सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसी तरह से जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एस्टर और वाटर, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। आइए इस रिएक्शन की थोड़ी सी मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों यहाँ पर मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड का एक जनरल फार्मूला लिखा है। आप देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो होता है COOH ग्रुप जब कार्बन की चेन से जुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है, दो कार्बन, एक कार्बन, तीन कार्बन, तो उसको हम सिग्निफाई यहाँ पर नहीं करेंगे। तो उसके लिए एक जनरल टर्म हमने लिख दिया है R। R का मतलब होता है कार्बन की चेन। तो ये कार्बन की चेन से COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला। अब उसके बाद आप देखिए यहां पर मैंने लिखा R-OH। ये R- भी कार्बन की एक चेन है। यहां पर हम R भी लिख सकते थे। R- इसलिए लिखा है क्योंकि यहां पर हमने ये मान लिया है कि यहां पर कार्बन की चेन यहां वाले कार्बन की चेन से अलग नंबर की होगी। अगर यहां पे दो कार्बन की चेन है तो क्या पता यहां पर एक कार्बन की चेन हो, और वैसे दोनों जगह पर एक ही नंबर के कार्बन चेन प्रेजेंट हो सकते हैं। एक कार्बन की चेन यहां भी हो सकती है तो एक कार्बन की चेन यहां भी हो सकती है। तो बच्चों इसको हमने इन जनरल रिप्रेजेंट किया R-OH से। तो यहां पर ये R और ये R- क्या है, ये दोनों कार्बन की चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन में एस्टर बनता है। अब आप देखिए ये एस्टर कैसे बनता है। बच्चों इस R-OH को मैं थोड़ा उलट करके लिख दूं। मान लीजिए हमने इसको लिखा R-OH, और अब इसमें से हम क्या करते हैं, वाटर को निकाल देते हैं। तो यहां पर ये मैंने H2O को निकाल दिया। अब आप देखिए बचा क्या, अब बचा RCOOR-, तो यहां पर बचा RCOOR-, और ये है आपका एस्टर। बच्चों इस एस्टर में आप देखिए जो पहली कार्बन की चेन है वो R है, तो वो पहली कार्बन की चेन जो शुरू में कार्बन की चेन होती है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन होता है, और जो लास्ट में R- है ये वाली जो कार्बन की चेन होती है ये कहाँ से आती है, अल्कोहल से आती है। अब इसका एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए R की जगह पर मैंने एक कार्बन की चेन ले ली, तो एक कार्बन ले लिया और उसको मैंने जोड़ दिया COOH से। अब इस कार्बन के चारों वैलेंसी को आप सेटिस्फाई कर लीजिए, तो यहाँ पर मैंने तीन हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये हो गया CH3COOH जो कि क्या है, एसिटिक एसिड। अब इसको आप अल्कोहल से रिएक्ट कराइए। मान लीजिए अल्कोहल के लिए मैंने दो कार्बन की चेन ले ली, तो दो कार्बन की चेन ले ली, तो दो कार्बन की चेन से जब मैंने जोड़ा किसको, OH को, अब बाकी जगह पर आप हाइड्रोजन लगा लीजिए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा C2H5OH। अब क्या करें हम, इसमें से हम वाटर को निकाल देंगे। जब आपने वाटर को निकाला तो बना क्या, बना CH3CH3CO CO, और फिर यहां पर क्या बन गया बच्चों, यहां पर जो बना वो बना O, तो यहां पर मैंने O लगा दिया, और फिर इसको आप काउंट करिए, ये C2H5 है, इसको लिख दिया C2H5।
तो ये जो कंपाउंड बना ये हो गया एस्टर, और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा इथाइल एसीटेट. सो दिस कंपाउंड इज नेम्ड एज इथाइल एसीटेट, जो कि स्वीट स्मेलिंग एस्टर होता है. इसकी स्मेल फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट्स की तरह होती है. तो बच्चों ये तो था एस्टरीफिकेशन. चलिए अब हम अपना अगला केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं. बच्चों चलिए अब एस्टरीफिकेशन के बाद हम एसिटिक एसिड की अगली केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं. नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटिक एसिड इज रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट. एसिटिक एसिड जब सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है तो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाता है. बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है? कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOH. तो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट क्या होगा? बच्चों इसका सोडियम सॉल्ट होगा, इसी हाइड्रोजन की जगह आपको सोडियम लिख देना है, तो इसका सोडियम सॉल्ट हो जाएगा RCOONA. ये R क्या था? R था कार्बन की चेन. तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एसिटिक एसिड है CH3COOH, और जब ये सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करेगी तो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मींस एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट. तो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हो जाएगा CH3COONA. तो यहां पर क्या बना? CH3COONA. तो एसिटिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मींस सोडियम एसीटेट. सोडियम एसीटेट बनता है, वाटर बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है इस प्रोसेस में. सिमिलरली जब एसिटिक एसिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करती है तो फिर से उसी एसिड का सोडियम सॉल्ट बनाती है, मींस सोडियम एसीटेट बनता है, CH3COONA बनता है, फिर वाटर बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस प्रोसेस में निकल जाता है. तो बच्चों क्या होता है जब एसिटिक एसिड सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है? तो इस प्रोसेस में सोडियम एसीटेट बनता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है. तो ये तो था एसिटिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज. बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एस्टरीफिकेशन बताया था. एस्टरीफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है? एस्टरीफिकेशन के प्रोसेस में जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर बनाते हैं, और उसके साथ में क्या निकलता है? वाटर निकल जाता है. तो ये रिएक्शन किस तरह का रिएक्शन था? ये रिएक्शन वैसे ही था जिसको कंपेयर किया था हमने न्यूट्रलाइजेशन से, कि एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. ठीक इसी तरह से जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एस्टर और वाटर बनाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एस्टरीफिकेशन. ये जो एस्टर्स बनते हैं ये स्वीट स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं. बच्चों ये एस्टर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ सेम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन. सैपोनिफिकेशन का मतलब क्या है? जब एस्टर, एस्टर क्या होता है? RCOOR-, ये देखिए RCOOR-. तो जब एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है तो उसी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट. बच्चों आपको एस्टर में बताया था कि RCOO एसिड से आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, और ये जो R डैश है इट कम्स फ्रॉम अल्कोहल. तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट का मतलब क्या हुआ? RCOONA बनता है. तो यहां पे बन गया CH3COONA और बन जाता है R-OH या C2H5OH. तो क्या होता है? When ethyl acetate
reacts with sodium hydroxide, then it forms sodium acetate and ethyl alcohol. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन. बच्चों यहीं पर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ओवर होती हैं. आइए इसका कुछ यूजेस देख लें. 3-4% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज यूज्ड एज विनेगर. सिरके के फॉर्म में हम सभी एसिटिक एसिड को यूज करते हैं. और फिर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल्स. अचार में ये प्रिजर्वेटिव के फॉर्म में भी यूज होता है. तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है. आज के इस टॉपिक में हमने कमर्शियली यूज़ के या कमर्शियल पर्पज़ के दो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड के बारे में पढ़ा. अपने अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.